हेलो स्टूडेंट, जे क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम मूलचंद, और हम सभी को पता है हमारा जो एक सब्जेक्ट है WWE, जैसे कि आपको पता है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसका मैंने आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके माध्यम से हम सीख चुके हैं कि पानी क्या है, कैसे प्रयोग करना होता है, कहाँ से हम पानी ले रहे हैं, कितने प्रकार के हमारे पानी होते हैं, कितने प्रकार के हमारे सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सरफेस वाटर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो सारी की सारी चीजें हम अच्छे से जान चुके हैं। और इसी के माध्यम से हमारा जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हुआ। और तीसरा हमारी बात आती है कौन सी, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड टेस्ट, यानी कि पानी की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता और परीक्षण, और जो भी उसके क्या होने वाले हैं, परीक्षण होने वाले हैं, ठीक है जी। ये सब चीजें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहले एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक टॉपिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारे हमारे जो है कितने टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल पढ़ाए थे। मैंने टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल तीन प्रकार के बताया था। पहला मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, मैंने तीन प्रकार के, पहला हमारा था कौन सा, एक्सटर्नल ट्यूबवेल, दूसरा था हमारा स्लॉटेड स्लॉटेड दूसरा था हमारा कैविटी, और तीसरा था हमारा स्लॉटेड। स्लॉटेड के अंदर ये नोट करके पॉइंट को बना बना लीजिएगा, नोट करके लिख लेना। जो मेरा स्लॉटेड ट्यूबवेल था, जो हमारा स्लॉटेड ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है डायरेक्ट नीचे से पानी लिया जाता है, इसमें से पानी नीचे, यानी कि मैंने इसका नाम बताया था आपको, किस नाम से, मैंने सबमर्सिबल के नाम से इसको बताया था। क्या बताया था, समरसेबिल के नाम से मैंने इसको बताया था कि समरसेबिल ट्यूबवेल भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, समरसेबिल ट्यूबवेल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी में मैंने आपको कुछ बताया था, समरसेबिल के कर्व 80 से लेकर 100 मीटर तक अगर पानी आपको नहीं मिलता है, क्या नहीं होता है, पानी आपको नहीं मिल पाता है, पानी आपको नहीं मिलता तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि कब, तो आप कहेंगे 100 मीटर से ज्यादा के लिए। तो इसको इसको हमने कहा था, यहाँ पर समरसेबिल का नाम लेते हो हम, यहाँ लिखे या इसको हम बोलते हैं क्या क्या इसको हम बोलते हैं माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर समरसेबिल, माइनर सबमर्सेबिल, ठीक है, माइनर सबमर्सेबिल बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें पानी सीधा क्या होता है, नीचे से निकाला जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से वो बना हुआ था जी, ठीक है। यहां से हम पानी को निकाल लेते हैं। यहां पर क्या था, कुछ आपका ये क्या था, इसमें क्या लगा था, स्ट्रेनर लगा हुआ था। क्या होता है, स्ट्रेनर लगा हुआ था, ये मैंने आपको बताया था पूरी तरीके से। तो इस चीज को भी नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉपर अपना समरसेबिल करके चलते हैं तो वो समरसेबिल हमारा कुछ अलग होता है। तभी मैं आपको एक पॉइंट दूसरा लिखवा रहा हूं कि एक्चुअल में समरसेबिल प्रेजेंट टाइम में कब प्रयोग होना शुरू हुआ, उसको आप लिख लीजिएगा, उसका नाम लिख लीजिएगा, क्या है उसका नाम। तो एक बार हम उसको पढ़ेंगे, टीप वेल पंप। तो यहां से नोट करके लिख लीजिएगा, एक हेडिंग है आपकी कौन सा, तो वो है डीप वेल पंप। या इसका दूसरा नाम हमारा होता है कौन सा, सबमर्सिबल, समरसेबिल पंप, ठीक है, समरसेबिल पंप। फिर से समझिएगा, डीप वेल पंप या समरसेबिल पंप इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुएं, अब यहां से नोट करके लिख लीजिएगा, बिल्कुल, इनका दूसरा नाम ही क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, समरसेबिल पंप होता है। और ये कितनी गहराई के लिए होता है, तो याद रखना है, ये पंप 150 मीटर से लेकर 350 मीटर की गहराई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हमारा पूरा पंप है तो क्या कर रहे हो, आपके पास में एक कोई क्या कर रहे हो, समरसेबिल लगा रहे हो, तो आप यहीं पर क्या होगा, एक क्या लगा, स्ट्रेनर लगा होता है, कौन सा होता है, स्ट्रेनर लगा होता है, प्लस में पंप लगा होता है, क्या होता है, पंप भी लगा होता है, ठीक है। यहां से पंप होता है, स्ट्रेनर पंप होता है, हम कह सकते हैं इसी के माध्यम से पानी हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पंप में सबसे नीचे स्ट्रेनर
लगा होता है, सबसे स्टेनर नीचे लगा होता है। अब आप कहेंगे इसके माध्यम से हमें पानी कैसा प्राप्त हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, जो पंप लगा होता है उससे हम क्या करते हैं, पानी को सक्शन कराते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे प्राप्त होने वाला पानी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए करा रहा हूं आपको स्पेशल क्लास लेके, ठीक है। टॉपिक हमारा तीसरा चलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे प्राप्त होने वाला जो पानी होगा, प्राप्त होने वाला पानी इससे प्राप्त होने वाला कैसा पानी होता है, तो आप कहेंगे इससे प्राप्त होने वाला पानी शुद्ध पाया जाता है। क्या होता है? शुद्ध पाया जाता है। तथा पानी में स्वाद भी होता है। क्या होता है? पानी में स्वाद भी होता है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें पानी में स्वाद भी होता है। और लिख लीजिएगा, वर्तमान समय में इसका प्रयोग अधिक किया जा रहा है, अधिक किया जाता है। ध्यान रखना वर्तमान समय में क्या होता है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या लगा हो, तो आप याद रखिएगा इसमें क्या होता है, एक मोटर भी लगी होती है। ठीक है जी। आप कहेंगे ये पाइप किसके होते हैं, तो याद रखना ये पाइप हमारे क्या होते हैं, ये प्लास्टिक के पाइप होते हैं। किसके होते हैं? प्लास्टिक के पाइप होते हैं। प्लास्टिक में अच्छी क्वालिटी कौन से? PVC के लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ लिए, और हमारा अब टॉपिक हमारा जो अगला यूनिट हमारा स्टार्ट होगा, तो याद रखना कौन सा, क्वालिटी ऑफ वाटर का। तो चलिए आज हमारा जो तीसरी यूनिट है वो स्टार्ट हो रही है, और उसके माध्यम से हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए, हेडिंग है क्या, जल की गुणता। पहली आपकी हेडिंग है क्या, जल की गुणता, क्वालिटी ऑफ वाटर। बात समझिएगा, क्वालिटी ऑफ वाटर हम सभी को पता है, जो हमें पानी प्राप्त होता है वो पूरी तरह से, अगर हम कहीं स्रोतों से या किसी भी सोर्सेस से हम पानी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो वो पानी पूरी तरह से क्या नहीं होता है, तो आप सभी को पता है वो शुद्ध नहीं होता। क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, हमने अपनी दूसरी यूनिट में पढ़ा था कि हमारे पास में एक सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है, पानी को स्रोतों से निकालना, शोधन करना, स्टोर करना, उसके बाद उपभोक्ताओं के पास किसी माध्यम से, यानी कि माध्यम ने किसका प्रयोग किया था, हमने पाइपों का माध्यम से हम क्या कर रहे थे, पानी आसानी से उपभोक्ताओं के पास तक पहुंचा रहे थे। वही चीजें हो रही है कि जो हमें पानी प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, और उस पानी को क्या करना है, आपको पेय योग्य बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ही क्या लेते हैं, एक हमारी सिस्टम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल की गुणता क्या होती है, कि जल की गुणता वो होती है कि जो हमें पानी प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, उसको सिद्ध करके आगे की तरफ जो पहुंचाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पानी पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। लेकिन पानियों में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, अशुद्धियां मिलाई जाती है। आप सभी को पता है हमारा पानी जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है। गंदा पानी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, गंदा पानी वो होता है जो देखने में गंदा होता है, लेकिन अधिकांश उसका प्रयोग आप पीने योग्य कर लेते हैं, लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता है, ये भी समझ के चलना। जैसे मान लीजिए किसी नहर में पानी बह रहा है, आपको दिख रहा है कि ये गंदा पानी है, नहीं पी सकते हैं, लेकिन अगर आप पी लेंगे तो आपको क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है, तो आप सभी को पता है उसमें सैंड मिला होता है, सिल्ट मिला होता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, कलर गंदा हो जाता है। लेकिन दूसरा अगर पानी की बात करें, दूसरा हमारा क्या होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, दूषित वाटर होता है, तो वो कहेंगे कि वो पानी जिसमें क्या होती है, बदबू, यानी कि जो क्या करता है,
क्या करता है, एटमॉस्फेयर गंदा कर देता है, जिसमें क्या होती है उसमें अजीब प्रकार की क्या होती है, स्मेल आती है, गंध आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दूषित पानी कहते हैं। उसमें कौन कौन से हम कह सकते हैं कि उसमें अन्य प्रकार के जो जीव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्या होते हैं, गलने लगते हैं, सड़ जाते हैं, उन सभी से क्या होता है, पानी पूरी तरह से दूषित हो जाता है, वो कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। और सभी को पता है कि हमारे पानी में जो क्या होती है अशुद्धियां पाई जाती है वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, तीन प्रकार की होती है, कौन सी होती है, एक तो हमारी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कौन सी, डिजोल्व होती है, और तीसरी हमारी कौन सी, तो कोलाइडल होती है। डिजोल्व जो हमारी सस्पेंडेड होती है इसमें पेड़ पौधे ये सब चीजें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, और कोलाइडल कौन सा हमारा, डिजोल्व कौन से होते हैं जिसमें क्या होती है अन्य प्रकार की गैसें वगैरह मिली होती है। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कैसे, मैग्नीशियम होगी, ठीक है, आयरन हो गया, वो सभी मिलेंगे। और हमारी कोलाइडल जो होती है वो हमारी इंप्योरिटीज क्या होती है, हमारी जो सस्पेंडेड होती है और हमारी कौन सी होती है, डिजोल्व होती है, इनके बीच का जो भी मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, डिजोल्व इंप्योरिटीज कहते हैं। डिजोल्व इंप्योरिटीज के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, चीजों को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन किसके काम से कौन कौन सा फर्क पड़ रहा है, वो सारी सारी हम चलेंगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहला आपकी बात आती कि जल पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, हम सभी को पता है। तो इसकी डेफिनेशन है, जल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, नहीं होता, और जल को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जल पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, नहीं होता, जल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। उसे शुद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको क्या नहीं कि हम कह सकते हैं, पेय योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं हम, तो हम कहेंगे प्रयोगशाला में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, तो आप कहेंगे परीक्षण करते हैं जिससे पानी की गुणता का पता लगता है। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, जल की गुणता कहते हैं। चाहिए अगला, होलसम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब कौन कौन से टेस्ट करते हैं, हम सभी को पता है कौन कौन से, एक तो हमारा होता है जैसे कि अगर टेस्ट की हम बात करें तो टेस्ट कौन कौन से होते, तो टेस्ट हमारे कौन से होते, एक तो EDTA होता है, EDT कौन कौन सा होता है, एक तो EDTA होता है, और अगला आपका कौन सा होता है, EDTA होता है, अगला टर्बिडिटी होता है, कौन सा होता है, टर्बिडिटी होता है। ठीक है, टर्बिडिटी होता है, यही हमारे होते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी होता है, EDTA होता है। ठीक है, हम पानी का क्या करते हैं, हार्डनेस का पता लगाते हैं। ठीक है, हार्डनेस का पता लगाते हैं, हार्ड है, नहीं है, क्या है, तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हमारे टेस्ट होते हैं, टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी में भी कई प्रकार के अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे चल के वैसे वैसे चीजें सीखते चले जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो टेस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, EDTA, टर्बिडिटी और हार्डनेस का भी पता लगाने के लिए, हार्डनेस कैसी है, तो आप कहेंगे कैसी है, परमानेंट हार्डनेस है, कौन सी है, परमानेंट, यानी कि हम कह सकते हैं स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता है। तो इन सब चीजों का भी हम क्या करेंगे, पता लगाते हैं हार्डनेस के माध्यम से। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, हम सभी को पता है। आगे अगर हमारी अगली हेडिंग की बात करेंगे, तो अगली हेडिंग आपके सामने है कौन सी, होलसम ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा होता है, होलसम ड्रिंकिंग वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो होता है स्वास्थ्य प्रदाय पेय जल। ठीक है, स्वास्थ्य प्रदाय यानी के वह जल जिससे मनुष्य के कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, वह जल जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर
न पड़े, ठीक है, जिसका जिसका क्या हो, जिसका प्रभाव मानु क्या है, जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर न पड़े, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, तो पहला लिख लीजिएगा पोल्यूटेड वाटर, पहला लिख लीजिएगा कौन सा होता है, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर कौन सा होता है, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर यानी कि हम कह सकते हैं पोल्यूटेड वाटर यानी कि हम कह सकते हैं गंदा पानी, क्या कह सकते हैं, गंदा पानी। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, तो दूसरा हमारा होता है दूषित पानी यानी के कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर यानी कि हम बात करेंगे इसकी दूषित पानी की। अभी मैंने बताया कि वह पानी, ऐसा पानी जो पीने तथा घरेलू उपयोग के लिए प्रयुक्त न हो, यानी कि हम कह सकते हैं वह पानी जो देखने में गंदा हो, पहली बात, जिसका प्रयोग भोजन तथा घरेलू प्रयोग में ना किया जाए, समझ में आई। वह पानी जो देखने में गंदा हो और जिसका प्रयोग यहां लिख लीजिएगा, जिसका प्रयोग भोजन तथा घरेलू प्रयोग ना किया जाए, उसको हम गंदा पानी कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं। तो आप कहेंगे वो गंदा पानी कैसे हो जाता है, गंदा पानी आप कैसे हो जाता है, तो याद रख ले गंदा पानी का मतलब क्या होता है कि कुछ उसमें क्या हो, जैसे क्या होती है, सिल्ट, ग्रेवल, रेत आदि घुला होना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर वही बात करें कंटामिनेटेड की, तो मैंने बताया कि वह पानी जिसमें निलंबित और रोगजनक जीवाणु मिले हो, वह पानी जिसमें निलंबित तथा रोगजनक पदार्थ मिले होते हैं पदार्थ मिले होते हैं, वह दूषित पानी कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से कुछ मिले होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, मृतक जीव आदि, ठीक है। इन सभी का मिला होना ही क्या कहलाता है, हम सभी को पता पोल्यूटेड वाटर होता है, वह पानी जो देखने में गंदा हो, जिसका भोजन कहां घरों में प्रयोग में नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल सिल्ट, ग्रेवल, रेत आदि घुला होना। तो अगला बात करें कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी कौन सा होता है, तो वह पानी जिसमें निलंबित तथा रोगजनक पदार्थ मिले होते हैं दूषित पानी कहलाते हैं, जो कुछ प्राकृतिक या मृतक जीवों का मिला होना, ठीक है जी। चलिए अगली बात करते हैं, अगर हम इम्प्योरिटीज यानी कि पानी में अशुद्धियां कौन कौन सी होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस अच्छे से ये सारी चीजें अपने नोट करते रहिएगा कि कैसा भी पेपर हो, कुछ भी पेपर हो, आपका पेपर आपसे बाहर नहीं जाने वाला है, ये गारंटी है। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, अच्छे से अपना चीजें जानते रहिएगा, बस आपको चीजें समझनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए अगले बात करेंगे कौन सा, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, अगली हेडिंग है आपकी कौन सी, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, पानी में अशुद्धियां, क्या कह सकते हैं, पानी में अशुद्धियां निम्न प्रकार की होती है, पानी में अशुद्धियां निम्न प्रकार की होती है, तो पहली कौन सी होती है, लिख लीजिएगा, पहली होती है निलंबित अशुद्धियां, कौन सी होती है, निलंबित
अशुद्धियां। दूसरी होती है हमारी कौन सी, तो दूसरी हमारी होती है लिख लिया घुलित अशुद्धियां, घुलित अशुद्धियां। और तीसरी हमारी होती है कौन सी, तो कोलाइडी। कौन सी होती है? कोलाइडी। कौन सी होती है जी? कोलाइडी अशुद्धियां, कोलाइडी अशुद्धियां, कोलाइडी अशुद्धियां। पहली हमारी कौन सी होती है? तो होती है हमारी कौन सी? सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। अगला हमारी होती है कौन सी? तो ये हमारी कौन सी होती है? सस्पेंडेड। और अगली होती है डिसॉल्व। कौन सी होती है? डिसॉल्व ऑक्स, डिसॉल्व। अगला कौन सा होता है? डिसॉल्व डिसॉल्व इंप्योरिटीज। और तीसरा हमारा होता है कौन सा? कोलाइडल इंप्योरिटीज। कौन सा होता है? कोलाइडल, कोलाइडल इंप्योरिटीज। कोलाइडल इंप्योरिटीज, कोलाइडल इंप्योरिटीज। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बातों को समझना है बस, ठीक है। निलंबित अशुद्धियां वो होती है, निलंबित अशुद्धियां वो होती है जिसमें ठोस कण क्या हो, मिले होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? तो आप कहेंगे, अब देखिए मैं समझा दूंगा यहां से, जिसमें ठोस कण क्या होते हैं? मिले होते हैं या घुलित होते हैं। नहीं नहीं मिले होते, लिखिएगा मिले होते हैं, ठीक है। जिसमें ठोस कण क्या हो, मिले होते हैं, ठीक है। ठोस कण मिले होते हैं, ठीक है। अब ये ठोस कण कैसे कैसे हो सकते हैं? तो वो ठोस कण कैसे हो सकते हैं? कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं और कुछ कृत्रिम हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं, ठीक होते हैं। उन सभी को हटाने के लिए, उन सभी को हटाने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम सभी को पता, या तो हम क्या करेंगे? अब साधन का प्रयोग करेंगे, अब साधन परीक्षण, या फिर हम करेंगे अब साधन, या फिर फिल्टर। कौन सा? फिल्टर। या आगे चल के पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिल्टर करते हैं। और इससे क्या करते हैं? इससे हमारे जो ठोस कण होते हैं, ठोस कणों को, ठोस कणों को क्या करते हैं? हटाते हैं। क्या करते हैं? हटाते हैं, ठीक है जी। ये तो बात हो गई ये, ठीक है। अगली बात अगर हम बात करेंगे कि जो क्या होती है वे शुद्धियां, जो क्या होती है, जो क्या होती है जीव तथा अजीव पदार्थों के रूप में सतह पर आ जाती है, क्या कह सकते हैं? वे अशुद्धियां, वे अशुद्धियां, अशुद्धियां जो जैव तथा अजैव के रूप में, अजैव के रूप में सतह पर आ जाती है, 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 ठीक है। वे अशुद्धियां जो जैव तथा अजैव के रूप में सतह पर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है सतह पर आ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? घुलित अशुद्धियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? घुलित अशुद्धियां कहते हैं। अगर बात करें कौन कौन सी आ सकती है, तो हम सभी को पता है जैव और अजैव, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जो जिसमें क्या होते थे, जैसे हम कह सकते हैं मृतक शरीर, ठीक है, मृतक, या फिर हम कह सकते हैं जीव, कैसे भी जीव हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अन्य गैसे, अन्य गैसे ये भी कह सकते हैं, या फिर प्राकृतिक कुछ चीजें, जो प्राकृतिक चीजें आदि आदि जो पानी में घुल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? घुलित अशुद्धियां कहते हैं, घुलित अशुद्धियां कहते हैं। अगर हम यही बात करें कोलाइडी अशुद्धियां, ये भाई साहब क्या होती है? ये हमारी होती है निलंबित, जो हमारी कौन होती है? निलंबित अशुद्धियां, जो हमारी क्या होती है? निलंबित अशुद्धियां तथा तथा घुलित अशुद्धियों के, घुलित अशुद्धियों के, घुलित अशुद्धियों के बीच की होती है, बीच की होती है। बात समझना, यानी कि मैंने बताया आपसे कि कंडीशन क्या है यहां पर, आपके कुछ ठोस कण है,
या फिर हम कह सकते हैं कुछ मृतक शरीर, ये सब चीज इनके बीच का जो भी होता है तो हम कह सकते हैं ये क्या होती है, निलंबित अशुद्धियां तथा घुलित अशुद्धियों के बीच की होती है। क्या? कोलाइडी अशुद्धियां। क्या होती है? कोलाइडी अशुद्धियां होती है, जिसके कारण आप कहेंगे जिसके कारण पानी का क्या होता है, रंग बदल जाता है। जिस क्या होता है, पानी का रंग बदल, ये चेक कैसे होता है तो लिख लिखिएगा, जांच हम किसके माध्यम से करते हैं, सफेद कपड़े को, सफेद कपड़े को पानी में भिगोकर, पानी में भिगोकर, पानी में भिगोकर हम इसका परीक्षण कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कोलाइडी अशुद्धियां होती है तो इनका जो मापन, अगर हम बात करें इसकी रेंज क्या होती है, तो लिख लीजिएगा कोलाइडी अशुद्धियां का मापन, कोलाइडी अशुद्धियों का मापन याद रखना कितना होता है, ये हमारा होता है कितना, ये हमारा 0.001 से लेकर 0.000001 तक की रेंज हो सकती है, ठीक है जी। क्या हो सकती है? 0.001 से लेकर 0.001 से लेकर इतना हो सकता है, याद रखना। क्या किस में होता है ये? सारा का सारा एमएम में होता है। क्या होता है? सारा का सारा एमएम में होता है, ठीक है। चलिए चलिए समझ में आ गई, फिर से समझो। निलंबित अशुद्धियां वे होते हैं जो ठोस कण के रूप में पानी में ली होती है, घुलित अशुद्धियां वे होती है जो पानी में जैव तथा अजैव के रूप में सतह पर मिल आते आते बहते बहते पानी में मिल जाती है, जैसे मृतक शरीर हो गया, जीव हो गया, अन्य गैसें प्राकृतिक आदि होती है। निलंबित कोलाइडी क्या होती है? ये हमारे घुलित और क्या होती है, निलंबित और घुलित के बीच की होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण पानी का रंग बदल जाता है, और हम इसका जांच कैसे करते हैं, सफेद कपड़ों को पानी में भिगोकर, कोई होता है उससे भिगोते तो कलर चेंज होता है तो हमें पता लग जाता है। अगर हम बात करें कोलाइडी अशुद्धियों के मापन के रेंज कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, कितनी होती है, 0.0001 से लेकर 0.5 × 0.1 mm तक की रेंज की होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता लगा। अगर हम बात करेंगे आगे, देखिए क्या होता है, अगला आपका आता है, अगला आता है ppm। क्या होता है ppm, समझ लीजिएगा क्या क्या होता है। अब ppm के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक छोटी सी टेबल बनवाऊंगा, याद रखिएगा टेबल इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाली है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसको अपने पास में कहीं भी नोट करके लिख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं ppm की, किसकी बात कर रहे हैं हम, ppm जिसको हम बोलते हैं क्या, पाथ पर मिलियन, पाथ पर मिलियन, ठीक है, पाथ पर मिलियन, ठीक है। हम कह सकते हैं इसकी दूसरी लैंग्वेज अगर हम कहें क्या, मिलीग्राम पर लीटर भी होती है, क्या होती है, मिली क्या होती है, एमजी पर लीटर भी होती है, क्या होती है, एमजी पर लीटर को हम दूसरी भाषा में ppm भी बोल देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसे एक भाग प्रति 10 भाग के नाम से भी जानते हैं, हिंदी वालों समझ लीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अन्य नाम भी होता है, इसे एक भाग, इसे इसे एक भाग प्रति, इसे एक भाग प्रति 10 लाख भाग के नाम से भी जानते हैं, भाग प्रति 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख भाग के, 10 लाख भाग के नाम से भी जानते हैं, 10 लाख भाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। इसे एक भाग, इसे क्या, दूसरा नाम क्या होता है, मैंने बता दिया, इसे पाथ पर मिलियन भी कहते हैं, साथ के साथ में इसका अन्य क्या होता है, एमजी पर लीटर भी होता है, ठीक है, साथ के साथ इसे एक भाग प्रति 10 भाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसका पता हम क्या करते हैं, इसका उपयोग जल की, जल में घुलित, इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो प्रयोग लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग कहां होता है, तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, कहां करते हैं, जल में घुली अशुद्धियों का पता लगाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, जल में घुलित अशुद्धियों के, जल में घुलित अशुद्धियों के, अशुद्धियों के
सांद्रता मापन में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, जल में घुलित अशुद्धियों की सांद्रता मापन में इसका प्रयोग करते हैं। अब एक मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, वो नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी होती है। देखिए अब पानी में क्या क्या चीज कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर ये बात आई है तो मैं एक टेबल बनवा रहा हूं, उस टेबल को आप कहीं ना कहीं करके नोट करके लिख लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। ठीक है जी, ये देखिए यहां पे, ठीक है, यह होती है प्रॉपर्टीज, क्या होती है, और यहां होती है लिमिट। ठीक, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, वहीं बात करूं इनऑर्गेनिक की, वहीं बात करूं सस्पेंडेड की, वहीं बात करूं किसकी, कोलाइड की, कोलाइड यानी के, तो यही बात करूं किसकी, सस्पेंडेड हो गया, साथ के साथ में सस्पेंडेड हो गया और हमारे कोलाइड हो गया और हमारा सल्फेट। तो ऑर्गेनिक में कितना होता है पानी में, तो याद रखिएगा वो सारा का सारा कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कितना होता है, 200 ppm। उसी का दूसरा नाम क्या होता है, mg पर लीटर, ध्यान रखना बच्चों इस बात का भी। ठीक है, अगर इनऑर्गेनिक की बात है तो इसकी लिमिट कितनी होती है, 3000 ppm। सस्पेंडेड की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी कितनी होती है, ये भी हमारी 2000 ppm, और इसकी रेंज कितनी होती है कोलाइड की, तो ये हमारी होती है कितनी, तो याद रखना कितनी होती है, ये हमारी होती है कितनी, 500 से लेकर 2000, कितनी होती है 500 से लेकर 2000। ठीक, 500 किसमें पानी के प्रयोग होते हैं, या आरसीसी के लिए प्रयोग होती है, और ये हमारी पीसीसी के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आरसीसी क्या होती है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए पानी आपका जो लेंगे उसमें, उसमें जो पानी प्रयोग करेंगे उसमें 500 mm यानी कि 500 ppm तक क्या हो सकता है आपका क्लोराइड का काम हो सकता है। अगर वहीं सल्फेट की बात करें तो ये कितना होता है, 400 ppm, कितना होता है 400 ppm। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से लेकर एक टेबल के माध्यम से ppa का ppm का मतलब बताया कि क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, पास पर मिलियन होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एमजी पर लीटर भी होता है, इसका दूसरा नाम एक भाग प्रति 10 लाख भाग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगली बात, इसमें हम क्या लगते हैं, घर में घुली जो अशुद्धियां होती है उसकी सांद्रता मापने के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको एक टेबल बनवाई, कौन सी ऑर्गेनिक में कितनी 200 होती है, इनऑर्गेनिक में 3000 ppm होते हैं, सल्फेट में कितनी होती है, तो याद रखना 2, ठीक है, सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड में कितना होता है, तो आप कहेंगे 2000 ppm होता है, सल्फेट में कितना 400, और कोलाइड में कितना होता है, तो आप कहेंगे 500 से लेकर 2, कितनी रेंज होती है, 500 से लेकर 2000 ppm तक होती है। ठीक है जी, ये हमारी कहानी यहां तक हमारी कंप्लीट होती है, इसी में मैंने आपको बताया। अब अगली बात करेंगे हमारे पास में, उसके बाद हम बात करेंगे अगला, जैसे ही हमारा टॉपिक नया अगला हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, मैं आपको उसमें बताने वाला हूं कि हमारे जो हमारा टेस्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर का कौन कौन सा को, तो याद रखिएगा हमारे जो हम करते तीनों प्रकार से करते, पहला हमारा फिजिकल होता है, दूसरा हमारा केमिकली होता है, तीसरा हमारा कौन सा होता है, बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि क्या होता है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमारा पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अगली अगर हम बात करेंगे दूसरी, मैंने आपको बताया कि पोल्यूटेड क्या वाटर होता है, दूषित क्या होता है। पोल्यूटेड वो वाटर होता है जिसका हम अपने घरेलू प्रयोग में उपयोग नहीं कर सकते, और अगला हमारा जो होता है, जो हमारा क्या होता है, दूषित होता है, क्या होता है जी हमारा, दूषित होता है। तो दूषित में मैंने आपको बताया वो दूषित पानी जिसका, जिसमें क्या होता है, मृतक शरीर मिलने के कारण क्या होती है, अन्य प्रकार की गंध आने लगती है, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया हमारे पास में जो पानी में इंप्योरिटी होती है 3 प्रकार की होती है, कौन सी होती है, एक तो हमारी सस्पेंडेड, दूसरी हमारी कौन सी होती है कोलाइडल, और तीसरी हमारी डिसॉल्व होती है। ठीक है जी, जो हमारी इंप्योरिटीज होती है इसमें सॉलिड मिला होता है, और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कौन सा होता है, डिसॉल्व होता है, इसमें हमारे जैव और अजैव मिले होते हैं, जैसे मैंने बताया मृतक शरीर आदि ये सब चीजों का मिलना। अगर तीसरी बात करें कौन सी हमारी कोलाइड होती है, कोलाइड हमारी इंप्योरिटीज और हमारी जो हमारी डिसॉल्व होते हैं इनके मध्य होती है, जिसकी रेंज मैंने बताया आपको कितनी होती है, 0.001 से लेकर 0.5 times 0.1 mm तक होती है।
ये भी चीजें हमें पता लगी। और उसके बाद मैंने बताया पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, जिसका दूसरा नाम एमजी पर लीटर भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे एक भाग प्रति 10 लाख भाग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम जल क्या होती है, जल में घुलित अशुद्धियों की सांद्रता का मापने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। टेबल के माध्यम से मैंने बताया ऑर्गेनिक 2000, इनऑर्गेनिक 3000, सस्पेंडेड कितना होता है 2000, कोलाइड कितना 5 से 2000, ये क्या होता है सल्फेट 400 ppm पर लीटर के हिसाब से क्या होता है, ये आपको पानी मिला रहेगा तो आपका यूज करने लायक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले ब्रेक, मिलते हैं अगले अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे पढ़ते रहिए, अपने अच्छे सीखते रहिए और अपने आपको क्या करते हैं, अपने नॉलेज गेन करिए और आपकी जेई क्लासेस माध्यम से आपका अच्छे भविष्य हो, यही कामना हम करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।